कृषि मंत्री एवं छिंदवाड़ा के प्रभारी मंत्री कमल पटेल शुक्रवार को छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कांग्रेस और कमलनाथ पर तीखे प्रहार किए। मंत्री पटेल ने कहा कि संगठनात्मक रूप से पार्टी ने छिंदवाड़ा लोकसभा को जीतने की रणनीति बनाई है। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर सरकार बनाएगी और 2024 में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर पार्टी जीतेगी, जिसमें छिंदवाड़ा भी शामिल है। छिंदवाड़ा लोकसभा जीतने के साथ ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीरो हो जाएगी। मंत्री पटेल ने कमलनाथ पर प्रहार करते हुए कहा कि कमलनाथ सत्ता की तड़प में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और वे अब सठिया गए हैं। तो मध्य प्रदेश भी गुजरात मॉडल तो ये गुजरात के अंदर लगातार 27 साल से भाजपा की सरकार बनी, यहाँ भी लगातार हमें कांग्रेस। अच्छा कमलनाथ जी बताओ, तुम्हारा कारवा डूबा क्यों? क्यों डूबा? क्यों हुआ सत्ता से बाहर? क्योंकि तुम्हारे कर्म खराब थे। तुम सत्ता के आने के पहले तुमने वचन दिए किसानों को 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, महिलाओं का समूह का कर्जा माफ कर देंगे, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे नहीं तो, और उसके बाद में वृद्धों से तक नहीं छोड़ा तुमने, कहा 1,000 रुपए से कुछ नहीं किया, देनी वेतन भोगी तो कहा सरकार बनता से रेगुलर कर देंगे। कोई भी वादे वचन तुमने पूरे नहीं किए, इसलिए जनता ने तुमको ऐसा धक्का दिया कि हमेशा के लिए खत्म। आप तड़पते रहो और सटियाते रहो।